देश के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री विजय कपूर की तमाम प्रॉपर्टीज और फैक्ट्रीज तो पहले ही मॉर्गेज थी। आज कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज के नीलामी के भी ऑर्डर दे दिए हैं। हमने कपूर इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय कपूर से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी प्रेस या मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। मैं अनिरुद्ध कामत, स्टार न्यूज। इन दवाओं से तुम्हारी तबीयत तो सुधर जाएगी, लेकिन उन सदमों का तो कोई इलाज नहीं है जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिए हैं। सुना था रिश्ते इंसानों को एक दूसरे से जोड़ते हैं प्रतिमा, लेकिन मेरे रिश्तों ने मुझे बिल्कुल ही तोड़कर रख दिया।
किसी भी सफल इंडस्ट्री को चलाने के पीछे तीन आवश्यक कड़ियां होती हैं, मालिक, मैनेजमेंट और वर्कर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर देखा गया है कि वर्कर की शिकायत कंपनी से हो जाती है, मालिक का वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मैनेजमेंट और वर्कर में तालमेल नहीं बैठता। लेकिन चूंकि मालिक जो है वो कंपनी का जिम्मेदार है, जवाबदार है, ऐसी परिस्थिति में अगर महीने में एक दिन वो मैनेजमेंट और वर्कर्स की बैठक बुलाए जहां वो उनसे सीधे सीधे बात कर सके, तो मालिक, मैनेजमेंट और वर्कर में एक रिश्ता कायम होता है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट का एक संगठन होता है, एक मजबूत परिवार। और जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक दुनिया के किसी भी परिवार में कभी कोई स्ट्राइक नहीं हुई। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि मालिक ऐसा करें तो इंडस्ट्रीज में ये स्ट्राइक्स का सिलसिला, ये सिक इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर, बाय। सर, सर ऑटोग्राफ प्लीज। आप अभी वहां अंदर बैठे थे ना? जी हाँ सर। लगता है हमारी बातें आपको पसंद नहीं आई। जी नहीं सर, सब सब लोग आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन मैं आपकी अल्फाज की गहराइयों में खो चुका था, और जब तक मैं अपने आप में वापस लौटा तो ताली बजाने की रस्म अदायगी पूरी हो चुकी थी सर। आई एम सॉरी सर। नहीं, सॉरी सर, जिंदगी भर मैंने सिर्फ आपको तस्वीरों में देखा है। मैं आपके आर्टिकल्स, आपके इंटरव्यूज में कलेक्ट करता हूँ सर। ये देखिए ना सर, प्लीज ये देखिए सर। नाम क्या है आपका? सर, राजेश पुरोहित सर। मैंने MBA किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी हाँ सर, वहीं से जहाँ से आपने पढ़ाई की थी। क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? सर, फिलहाल तो इतना ही बता सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सर, जैसे आपने अकेले अपने बलबूते पर कपूर इंडस्ट्रीज को इतने ऊंचे मकाम तक पहुँचाया है, सर, अगर मैं आपसे कुछ सीख कर जिंदगी में थोड़ी सी भी तरक्की कर लूं, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी सक्सेसफुल मैन सर। गुड। कल सुबह आकर आप हमें ऑफिस में क्यों नहीं मिलते? जी सर, थैंक यू सर। सर, आपने महाराष्ट्र टेक्सटाइल मिल्स की लिस्ट तैयार करने को कहा, ये रही सर। पापा, क्रॉसवर्ड में एक जगह मैं फिर से फंस गई हूँ। प्लीज प्लीज, हाँ, क्लू है व्यापार, व्यवसाय, और चार वर्ड का इसका अल्टरनेटिव चाहिए। चार वर्ड, रोजगार। रोजगार, राइट यू आर, रोजगार। ओ नो पापा, पूरी डिक्शनरी छान मारूं तो भी मुझे ये वर्ड नहीं मिलेगा। क्लू बताओ। हाँ, हरा भरा खेतों से लाया गया। चार अल्फाबेट्स चाहिए इसके भी। चार, चार अल्फाबेट। सर, सर, तरोताजा। तरोताजा, तरोताजा, तरोताजा। पापा, एक मिनट ठहरना प्रीति। हाँ, नहीं प्लीज प्लीज, लास्ट लास्ट लास्ट। अरे राजेश, तुम जाकर के प्रीति का क्रॉसवर्ड क्यों नहीं सॉल्व कर देते हो? ये फाइल मुझे दे दो। जी ओके सर। आइए आइए आइए, पापा ने भेजा है आपको। जी हाँ। आइए बैठिए। थैंक यू राजेश। क्रॉसवर्ड सॉल्व करेंगे आप? ठीक है, आपको भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, 5 खाली जगहों को फिल करना बाकी है। जी। पहले वर्ड में 2 अल्फाबेट्स आने चाहिए, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5 और पांचवे में 6, और हर वर्ड के आखिर में री लफ्ज का होना जरूरी है। री। शुरू करूं? जी हाँ। पहला क्लू, औरत। नारी। गुड।
दूसरा वर्ड है छोटी गागर। गगरी। वेरी गुड। गवर्नमेंट रिलेटेड या शासन संबंधी? सरकारी। अरे एक्सलेंट एक्सलेंट। परचून की शॉप चलाने वाला? दुकानदारी। हे दैट्स मार्वेलस। अब आखिरी वर्ड, ऐसा नगर जहां पर कानून नाम की कोई चीज ना हो। अंधेर नगरी। वाओ यू आर सिंपली अनबिलीवेबल, इतनी जल्दी सारे आंसर्स दे दिए। अरे मैं तो समझती थी कि इस दुनिया में मेरे डैडी से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट और कोई है ही नहीं, पर अब लगता है तुम तो मेरे डैडी से भी ज्यादा ब्रिलियंट हो। नहीं नहीं प्रीति जी, क्रॉसवर्ड के 5 लव्स जानकर कोई विजय कपूर थोड़ी बन सकता है। उनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई एक बार उन्हें देख ले तो उनकी तरफ खिंचता चला आता है। उनकी बातें कोई एक बार सुन ले तो उनसे मिलने के बहाने ढूंढता है। सच तो यह है प्रीति जी कि मैं आपके डैडी को पूछता हूं। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मेरा दिल नहीं लगता, और जब पास होते हो तो मेरा जी नहीं भरता। मैंने फैसला किया है मैं तुमसे शादी करूंगी राजेश। नहीं, मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं ऐसी बात सोच भी सकूं। कपूर साहब ने मुझ पर एहसान किया है और उसका मैं ये सिला दूं उनको ताकि कल वो कहें ये जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये क्या कह रहे हो राजेश? मैं वो मेरे आदर्श हैं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उनकी आत्मा को चोट पहुंचे। कल मेरा रेजिग्नेशन उनकी टेबल पर होगा। मैं यहां से जा रहा हूं। विजय बाबू, किसी खास मेहमान का इंतजार हो रहा है? एक ना एक दिन तो बेटियों को घर जाना ही होता है। आज लड़के वाले आ रहे हैं। हमारी प्रीति को देखने आ रहे हैं। जीजा जी देखना, इधर रिश्ता पक्का हुआ और उधर झट से शादी हुई। शादी का मतलब पर परिवार कौन सा है, खानदान कौन सा है, लड़का कौन है? मे आई कम इन सर? गुड इवनिंग सर। ये ऑफिस नहीं घर है राजेश, और जब किसी मेहमान को खाने पर बुलाया जाता है तो उसे अंदर आने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। पापा आपको कैसे पता चला? I don't believe it, पापा। थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट, यू आर रियली द बेस्ट। बस बेटा, तुम्हारी उस खुशी को देखने के लिए तो हम जिंदा हैं। आओ बैठो राजेश। थैंक यू सर। आपके माता पिता, आपका घर, आपका खानदान, अब आपके घर से कोई क्यों नहीं आया? मैं अनाथ हूं सर। घर परिवार खानदान सब मैं ही हूं। भाई तो क्या हुआ, जब प्रतिमा और हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। धीरे धीरे अपने बलबूते पर मैंने इतना बड़ा एम्पायर सेट कर दिया, और इस तमाम जर्नी में ये जो सफर था हमारा उसमें मेरे साथ प्रतिमा थी या फिर भगवान। जीजा जी ने गलत फैसला किया है। यार विजय, इसे कहते हैं जेटेज। इधर बात शुरू हुई नहीं कि ये रही मंगनी और वो रही शादी। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन देखो भाई, अजय के बगैर ये शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल राजेश, अजय मेरा बेटा 3rd year अपना फाइनल आईटी सेमेस्टर करके वो छुट्टियां मनाने गया। जैसे ही छुट्टियां मनाकर वो वापस आता, वी विल जस्ट पैक द 2 of you ऑफ।
मैं अभी भी अकेला हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। मामा जी, आप भी लगे बिग ब्रदर। मेरी छोटी सी प्यारी सी काली बहन। भैया, अजय भैया। लव यू। हे माँ। अजय। माँ 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 माँ। Oh my God, you're looking beautiful. How are you? कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। देखो तो इसे, मेरी फूल जैसी बहन का दुल्हन बनने का वक्त इतनी जल्दी आ गया। कितनी सुंदर लगती है। अरे हाथों में मेहंदी भी लग गई। भगवान करे इन हथेलियों में खुशियों का भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरा रहे। थैंक्स भैया। पापा कहाँ है? पापा मैं ढूंढ लूंगा, आप यहीं रहो। ओके। नहीं सर, प्लीज सर, ये फ्लैट, गाड़ी, नौकर चाकर, अचानक बेवजह मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ा देना, सर मुझ पर इतना मेहरबान भी मत होइए कि मुझे लगे कि आप मुझ पर दया कर रहे हैं। सर मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं प्रीति को बहुत खुश रखूंगा, उसे पलकों पर बिठा के रखूंगा सर, लेकिन मैं सेल्फ मेड आदमी बनना चाहता हूँ और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहता सर। देखो राजेश, अगर मैं प्रीति की शादी किसी बड़े खानदान में करता तो मैं तो यही उम्मीद रखता कि वो उसे अपने घर में एक बेटी के समान रखे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी हमारे घर में एक दामाद की तरह नहीं बल्कि मेरी एक और बेटी की तरह रहो, हमारे परिवार का एक सदस्य बनकर हमारी हंसी खुशी, हमारे दुख दर्द बांटते हुए। भगवान मुझे अनाथ को इतनी खुशी क्यों दे रहा है सर? माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते, नाते, ये सब बस कुछ लफ्ज़ ही थे मेरे लिए, इनके मायने तक नहीं जानता था मैं। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस जन्म में मैं इन सब रिश्तों को पा रहा हूँ सर। ए पापा, What a choice! Just look at him. राजेश से अच्छा प्रीति के लिए लड़का तो मिल ही नहीं सकता, कम से कम इस दुनिया में तो हो नहीं सकता। By the way, I'm my father's son. आप हमारे मम्मी पापा की पसंद हो, प्रीति का प्यार हो और आज से हमारे यार हो। Hey man, I'm so happy. आइए आइए डॉक्टर साहब, नमस्ते भाभी जी, अंदर आइए 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 आइए। हंसते हंसते मेरे जबड़े दर्द करने लगे, ये जीजा जी ने भी मुझे ऐसे काम पर लगा दिया। जाम इनकार इनका, ओ मेरी जुम्मा कितना तरसाई कि दे दे चुम्मा। क्या? अब मेरा मतलब है तू मेरी बॉबी है, तू मेरी नूरी है, तू मेरी जूली है, ओ मेरी जान, तुझ पे ये दिल कुर्बान। चल हट कामचोर, जंगली जानवर जल्लाद, कालिया, सड़क छाप, मजनू, चांडाल। ए संग दिल सनम, सहेंगे हम तेरा हर सितम, सनम तेरी कसम, हम दिल दे चुके सनम। अरे गवार, अनपढ़ अनाड़ी, लोफर मवाली, पगला कहीं का, सलमान देखता रह गया, देवगन ऐश्वर्य ले गया। ना जी ना, ना तो ये संगम है जी, ना तो ये साजन है, ना ये रंगीला है, ना दिल तो पागल है, ना तो ये लव ट्रायंगल है, ये तो सीधी सादी प्योर लव स्टोरी है। हीर राजा, श्री फरहाद, रोमियो एंड जूलियट, लड्डू एंड स्वीटी। अरे अक्कल के दुश्मन, ये जितने नाम तुमने गिना है ना, इनमें से किसी की शादी नहीं हुई, ऊपर से कोई जहर खा के मरा, कोई पत्थर खा के। माफ करना, मुझे नहीं मरना है। दिल में कुछ कुछ होता है। फिर मैंने प्यार किया। फिर प्यार झुकता नहीं। फिर हम किसी से कम नहीं। फिर मैं तुम्हारा राजा हिंदुस्तानी। फिर दिल वाले दुल्हनिया को ले जाएंगे। फिर अरे ये तो फिर पेट की हुई है, सब सुपर हिट फिल्म थी के नहीं तो आधी क्या खंडाला। जा पहले जाके ठंडाला। ठंडा? आप सब लोग मेरी बेटी की शादी में शरीक हुए, मेहमान नवाजी की, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये कर्ज मैं सिर्फ धन्यवाद बोलकर चुकता नहीं कर सकता। साहब ये सब बोलकर आप हमें अपने से दूर करना चाहते हैं जी? क्या आपके एहसान हम कभी भूल सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, हम लोगों के परिवार में
जब किसी की भी बेटी की शादी होती है तो माँ बाप तो सिर्फ कन्यादान ही करते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी तो आप खुद अपने सर पर ले लेते हैं साहब। आज हमारी बच्ची की शादी है, हमें अपना धर्म पूरा कर लेने दीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 बाबू बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो एक जिम्मेदारी आज पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके घर की जिम्मेदारी जो है वो अभी भी बाकी है। कांग्रेचुलेशंस विजय बाबू। थैंक यू, थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा साथ में है तुम्हारे। एक दोस्त होने के नाते हिदायत देना चाहता हूँ। बोलो क्या बात। इतनी शान और शौकत के साथ बेटी की शादी कर रहे हो, बिजनेस कम्युनिटी को तो जानते ही हो, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। अगर इस बात पर किसी की आंख खटक गई ना तो कभी भी मात देने की कोशिश करेगा। देखो ब्रिज, जो आज तक हमें शतरंज में शह नहीं दे सके वो हमें बिजनेस में क्या मात देंगे। Excuse me, I'll just be back. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की शादी में आई हूँ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और उसकी सिस्टर मेरी बेस्ट सिस्टर्स हैं। तुम जैसा जाहिल आदमी इतनी अच्छी खानदान में कैसे पैदा हो गया? भगवान की मर्जी से। हाय निशा। और वैसे भी जैसे तुम जाहिल कह रही हो, कभी तुमने खुद अपने आप को देखा है? कितनी खामियां तुम में। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती। So let's count it. सबसे पहले कितनी जिद्दी हो तुम, दूसरी कितनी गुस्सैल हो, एंग्री यंग वुमन, तीसरी कितनी बददिमाग हो, चौथी अपने बाप के पैसों की नुमाइश करने का बहुत शौक है तुम्हें, और पांचवी कपड़े पहनने की तो तमीज ही बिल्कुल नहीं। और तुमने कभी अपनी तरफ गौर किया है? खामियां ही खामियां दिखाई देंगी। एक दो जरा पेश करेंगी। हाँ तो गिनो। हाँ बोलो। पहले तो तुम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ब्रिलियंट हूँ, वो तो मैं समझूंगा ही, और वैसे भी बेवकूफों को मैं ओवर स्मार्ट ही नजर आता। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। एक काम करते हैं, माइक पर अनाउंस करवा देते हैं, इस बात का एक भी गवाह मिला तो कसम से किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा जिंदगी में, आपकी कसम। तुम जरूरत से ज्यादा लंबे हो। विरासत में मिली मुझे, हेरिडिटरी है। आगे बोलो। अच्छा इस बार गुस्से में मत बोलना। बोलती हूँ, जरा मुझे सोचने का वक्त। I'm waiting. Just get out of here. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कोई खामियां है ही नहीं इसमें। He's just perfect. वो तो मैं हूँ। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तेरा भाई अपने आप को समझता क्या है? क्यों, क्या हुआ? उसका दिमाग खराब हो गया है, कहता है मैं बहुत गुस्सेलू हूँ। I'm an angry young woman. वो तो तुम हो ही। देखो अब भी गुस्सा ही कर रही हो ना। और कहता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, अपने बाप का पैसा उड़ाने का शौक है मुझे, बदले मांगू, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है मुझे। What does he think of himself? ऐसा कहा भैया ने? हाँ बिल्कुल। Oh my God, कमाल हो गया। निशा, we're really old friends, right? Right. इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ। इतने सालों में जो तुम्हारी कमियां मैंने आज तक नहीं देखी, उन्होंने न सिर्फ उन्हें पहचाना बल्कि तुम्हें बता भी दिया। He's amazing. वरमाला अर्पण करें, संग सखी सुंदर चतुर गवाही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमांग अपार। और अजय, पढ़ाई हो चुकी है, अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MBA किया है, सोचता हूँ IT का बिजनेस शुरू कर लूँ। You know, that's a very good idea.
हमारी गवर्नमेंट उसे प्रमोट भी कर रही है ना। It's quite true, but अरे भाई सुबह सुबह ये बिग थ्री बैठ करके क्या सलाह मशवरा कर रहे हैं। Good morning, पापा। Morning, morning। Good morning, पापा। अब आप आ गए हैं तो बिग फोर की मीटिंग होगी। सर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और वही बिजनेस अजय करना चाहता है, करेक्ट? बिजनेस करना तो बहुत अच्छी बात है। अजय ने तो अभी अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई खत्म की है, बिजनेस का तो इसे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। एक्सक्यूज मी पापा, एक्सपीरियंस के बारे में आपने क्या कहा? देखो बेटे, बिना अनुभव के जब कोई आदमी काम करता है तो उसे हमेशा धोखा होता है, नुकसान होता है उसे। वैसे मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बिना किसी एक्सपीरियंस के जब कोई काम होता है तो मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। पापा आईटी में वैसे एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होती, और जब तक आदमी काम नहीं करेगा उसे एक्सपीरियंस कहां से होगा? एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है बेटे डिसीजन लेने में। एक कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जिसमें फैसला लेने की क्षमता हो। एक्सपीरियंस किताब में नहीं होता है, उसका ज्ञान होता है। छोड़िए ना पापा, अभी अजय की उम्र निक्कर पहनने की नहीं गई, आप उसे सूट वूट पहना रहे हैं। थैंक यू। हाय पापा। सॉरी प्रीति दीदी, आपको कुछ नहीं पता, हमारे अजय भैया बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नाउ दैट्स माय फेवरेट सिस्टर। फैंटास्टिक। कौन सी गेम के आप चैंपियन हैं जल्दी से बताइए, ताकि मैच फिक्सिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जो वो सिर्फ मेरे को मिले। नहीं मामा, ये मैच फिक्सिंग का मामला नहीं है, ये गर्ल फिक्सिंग का मामला है। यानी कि हमारे अजय बाबू को किसी लड़की के साथ प्रेम हो गया है? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आजकल अजय भैया लड़कियों की खामियां निकालने में माहिर हो गए। चुप हो जा चाची। वो मेरी सहेली है ना निशा, अजय भैया ने उसके एक नहीं पांच पांच डिफेक्ट्स निकाले हैं। देखो भाई अजय, ये तो बहुत बुरी बात है, खूबसूरत लड़कियों की तारीफ की जाती है, उनकी खामियां थोड़ी ना निकाली जाती। पापा मैं उसे इस लायक बना रहा था कि आपके और मम्मी के सामने सलीके से खड़ी रह सके और छोटे बड़ों के बीच रिश्तों की पहचान हो उसे। और यू नो, आर यू सीरियस? आपको क्या लगता है पापा, इज जोकिंग? ही साउंड सीरियस। पापा ये तो बहुत अच्छा मौका है, इसके भी हाथ पीले करा दीजिए। आप थापर साहब से इसकी शादी की बात क्यों नहीं करते? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जीजा जी, वो लड़की वाले हैं रिश्ते की बात करने के लिए, वो इधर आएंगे। व्हाट से यू मिस्टर अजय? मामा जी रिश्ते की बात तो आप तब करोगे जब मेरे और लड़की के बीच में रिश्ता मजबूत हो जाएगा, और जहाँ रस्मों की बात है मेरा अपना परिवार तो मौजूद है ही। आज मुझे लग रहा है कि विजय कपूर का बेटा बोल रहा है। आओ बेटे, वो तुम्हारी कुर्सी है बेटे, और इस बाप का सपना, इस कुर्सी पर बैठना और अपनी मेहनत से इस कुर्सी पर बैठने के काबिल बनना, ये दो अलग अलग बातें। तुम चाहो तो अभी चलकर यहां बैठ सकते हो, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि तुम अपनी मेहनत और काबिलियत से यहां तक पहुंचो। देखो बेटे, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, जिन्हें उसकी पहचान होती है, उनके यहां कभी डाले नहीं गिरते। इसलिए मेरा तो यही मशवरा होगा कि तुम काम की बारीकियों को समझो और इस कंपनी की एक एक सीढ़ी चढ़कर वहां तक पहुंचो। अगर तुम अपना कोई निजी बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो शौक से बढ़ाओ, लेकिन इस कंपनी को संभालना तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है। ठीक है पापा, अब आप ही बताइए पहले कहां से काम शुरू करें। अरे क्या लगा रखा है तूने, तेरे से बियर मंगवाई थी ना, जल्दी जाके बियर लेकर आ। लेकिन हरी सिंह जी, मेरी मशीन चल रही है, मैं उसे बंद करके कैसे जा सकता हूँ? अब तो नहीं चल रही तेरी मशीन, रुक गई है, जा बियर लेकर आ। अबे जा, मुंह क्या ताक रहा है? अबे ठंडी बियर लाइयो। 16 17 Hey big brother. Hi sister. Wow. भैया आपका जादू चल गया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, निशा तो बिल्कुल बदल ही गई है, गुस्सा करना तो उसे आता ही नहीं। और 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 जिद किस चिड़िया का नाम है उसे तो मालूम तक नहीं, सबसे बहुत ही सलीके से तहजीब से बातें कर रही है। इनफैक्ट उसने तो अपना पहनावा भी बदल दिया है,
Nova Micro Minis, no hipsters, सिर्फ traditional Indian clothing, यानी कि हिंदुस्तानी कपड़े, सिर्फ चूड़ीदार कुर्ता, सलवार कमीज। भैया वो इन कपड़ों में कमाल की खूबसूरत लग रही है। मेरी छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी बहन, sit down. मेरा एक छोटा सा काम करोगी? निशा से मिलना है। Say it. Yes. 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 ओह, पता नहीं कब आएगी। Wow. What an angel. You're so beautiful. निशा आओ ना, बैठो ना। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। Thank you. इसका क्रेडिट तो तुम्हें जाता है। It's all right. इसमें क्या है? मेरी बातों का असर तो हुआ तुम पर। देखो ना, सेम सेम कलर। अच्छा, मैं मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ। निशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अजय, अब जो कि मैं बदल चुकी हूँ, तो मैं अपने पास की कोई भी चीज अपने फ्यूचर में नहीं लाना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात कही। गुजरे हुए कल को तो भूल ही जाना चाहिए। यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम मेरे पास्ट यानी मेरे गुजरे हुए कल का हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुम जैसी चीज को भूलना चाहती हूँ। मैं कोई चीज नहीं हूँ। ओ अजय, तुम नहीं समझ रहे हो। Now that I've changed, you know, sweet Indian girl, तो मुझे तुमसे अच्छा कोई भी लड़का मिल सकता है। My Mr. Perfect. I am your Mr. Perfect. Don't be too confident. I am damn confident. अगर मिल गया तो? तो तुम जो बोलो मैं हारू। Okay, fine. Okay, fine. अच्छा वो? वो तो तुमसे बात भी नहीं करेगा। देख नहीं रही हो कितनी लड़कियां उसके सामने मंडरा रही हैं। देखा? ये तो यहीं आ रहा है। Hi, I'm Sunia. I think you're gorgeous. Thanks. I'm Nisha. मुझसे दोस्ती करोगे? Of course. Wanna go for a long drive? Sure. Nisha. Bye, Ajay. And take care. Bye, man. Nisha, तुम पागल तो नहीं हो? अजय ने लड़की को बुलाया, अपने दिल का हाल सुनाया। लड़की ने अजय को बुलाया और किसी दूसरे को अपने दिल का हाल सुना और इसको देवदास बनाया। एक लड़की को नहीं पटा सका, इतनी बड़ी कंपनी कहां से संभाल लेगा? अरे साले साहब, एक्सपीरियंस, अनुभव, मेरे बेटे को इसके बारे में क्या मालूम? आज का चौकी कल जटाएं कहां से आ जाएंगी? जब तक जटाएं आएंगी, घटाएं जा चुकी होंगी। अजय अजय, एक परफेक्ट सॉल्यूशन। तुम लड़कियों की आदतें बदलने के एक इंस्टीट्यूट खोलो। वाह, लड़कियां आएंगी, अपने आप को सुधारेंगी, फिर किसी और के साथ चली जाएंगी। बहुत हो गया, बहुत मजाक उड़ा लिया मेरा तुम लोगों ने। अजय कपूर को सिर्फ एक चीज आती है, वो जीतना। प्रिया, तुम्हारे पास का नंबर है? है भैया, है। मेरे खुद दोनों को गप्पे मारते हुए सुना है। रानी, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते, चुप। अजय भैया, निशा का नंबर तो मेरे पास है और वो मैं आपको डायल करके भी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। लेकिन दो, बात दो, तो आप ही को करनी पड़ेगी। हेलो। बोलो अजय। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो समझ लो, बहुत जरूरी काम है। कल तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि मैं सुनील के साथ पिकनिक जा रही हूँ। कोई जगह तो होगी जहाँ तुम जा रही हो? अगर तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे तो बता देती हूँ। ड्रीम वर्ल्ड। बाय अजय। क्या हुआ? वो किसी एक्टर सुनील के साथ ड्रीम वर्ल्ड जा रही है। लेकिन मैं उधर जरूर जाऊंगा। और ये वहां पे जाके पता क्या करेगा? क्या करेगा? गोटियां खेलेगा। सॉरी, गोटियां नहीं। मैं तुम सबको ये बता दूंगा कि मैं लड़कियां भी पटा सकता हूँ और कंपनी भी चला सकता हूँ। शाबाश, मगर मैं भी जाऊंगी। लेकिन तुम क्या करोगी? मामा के बिना तो पिकनिक हो ही नहीं सकती। अरे अगर मामा जाएंगे तो फिर मामी भी जाए। स्वीटी आंटी भी जाएगी। ये मैं बोलने वालों में से कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि हम सब पिकनिक जाने वाले। ओके गाइस, हम लोग ड्रीम वर्ल्ड पहुंच गए हैं। अब यहां से मोहब्बत की जंग जीतने का आगाज किया जाएगा। आगाज नहीं, अंत। भांजे, रॉन्ग साइड देख रहा, सामने देखो, तेरी कबूतरी उस कबूतर के साथ कैसे प्यार से गुटरगूं कर रही है। मामा जी, भड़कता क्यों है? बहादुरों की तरह आगे बढ़, उस हीरो को दो चार ब्लो मार, उसकी जगह आके बैठ जा।
All the best, okay? All the best, भैया. All the best. Excuse me. मैं निशा से बात करना चाहता हूँ. Of course. हाँ बोलो अजय. निशा देखो अब तो हमारे जिंदगी कलर भी मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ. मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता. Boy, काफी गुरूर है अपने आप पर. निशा देखो तुम मुझसे प्लीज शादी कर लो. जिद्दी भी है निशा. तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो निशा. गुस्सा भी आता है. एंग्री यंग मैन. किस बात की कमी है मेरे पास? हर चीज तो है मेरे पास. बंगला दौलत गाड़ी सब कुछ तो है मेरे पास. किस बात की कमी है? बाप की दौलत की नुमाइश करने का भी बड़ा शौक है इसे. अजय मेरी सारी खामियां तो तुम में आ गई. प्लीज चेंज योरसेल्फ अजय वरना कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी. ओके बाय निशा मेरी. हाय सुरील. हाउ आर यू मिस्टर कपूर? हाउ आर यू सर? हाय हाय. हम लोग यहां पर एक छोटी सी पिकनिक कर रहे हैं. आप व्हाट डिड यू जॉइन व्हाई नॉट. Yeah, sure, come on. Vijay, I'm getting so excited. कितना मजा आएगा ना? तो ये विजय भी ना, यहाँ मेरे बेटे का दिल जल रहा है और देखो साथ लेके आ रहे हैं उसे. Relax, mummy, relax. अजय भैया को निशा का दिल जीतना बहुत जरूरी है. वरना निशा भाभी तो हमारी होगी लेकिन उसकी दिल की धड़कनें उसे नहीं. चुप रहा. ऐसी शादी से क्या फायदा? बाद में रो लेने से अच्छा है अभी रो ले. Hey, what you talking? You know, man, according to Aristotle, the social animal. In nature, society cannot live in isolation. Let him be a beast or an angel. No man alone in the world can live without society. What do you think my bhanja can live without her? No, wait. No. Tell bhanja uska band bajate. Come on, let's go. Yeah! और कितना खाऊं जीजा जी? फ्री का खा खा के मेरा पेट फट रहा है जीजा जी. Excuse me. सुनिए सुनिए अब हम सब एक गेम खेलेंगे. फंटास्टिक. क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं. साले साहब कंट्रोल योरसेल्फ. यस मामा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ. इट्स अ वेरी सिंपल गेम. यहाँ पे जितने भी जेंटलमैन हैं ये उन लेडीज की तारीफ करेंगे जिनसे उन्हें प्यार. बहुत अच्छा खेल है. अपनों की खामियां तो हम निकालते ही रहते हैं लेकिन तारीफ कौन करता है उनकी? है कि नहीं भाई साहब? है. गुड आइडिया. लेट्स प्ले. और वो लेडीज उनकी तारीफ का जवाब किस करके देंगे? अच्छा मैं शुरू करता हूँ. काली जुल्फ काली भैंस ठंडा पानी. लड्डू. सबसे पहले विजय बाबू तारीफ करेंगे. खूबसूरत शायरी है, खूबरू इंसान है, चंचल है, शौक है, हर बज्म की जां है. बगैर उनके मेरी महफिलें हैं सुनी सुनी. बगैर उनके महफिलें हैं मेरी सुनी सुनी. वो मेरी जिंदगी, मेरी आरजू, मेरा अरमान है. वो हमराज है, दिल की धड़कन है, मुस्कान है. वो माँ है, महबूबा है, प्यार की प्रतिमा है. हर रिश्ता है उनके दम से, वो रिश्तों की पहचान है. अब तो भाभी को किस देनी पड़ेगी. देनी पड़ेगी. देखो भाई ये तो चीटिंग है. ठीक है. हाँ ये क्या बात हुई? तारीफ हमने आपकी की और किस मिल रहा है शीशे को? ये शीशे के साथ में क्या किया जी? एक मिनट अब मेरी बारी है. स्वीटी की तारीफ करूंगा. बदले में वो एक स्वीट स्वीट स्वीट. पहले तारीफ तो करो. अर्ज किया है तेरे हाथों के कंगन में दिल मेरा अटका. तेरे हाथों के कंगन में दिल मेरा अटका. क्या बात? वाह टूट जाएगा जालिम अगर दहेगी से झटका. दिल का इतना ख्याल है तो ये लो कंगन तुम ही पहन लो. अरे मुझे किसी से किसी किसी किसी. मैं क्यों किस दूं? कंगन की तारीफ की ना तुमने. ओ साले साहब साले साहब साले साहब गनीमत है आपने कंगन की तारीफ की. कहीं सैंडल की तारीफ की हो. अच्छा सुनील जी आप किसकी तारीफ करेंगे? निशा की. अच्छा और अजय भैया आप? ऑफ कोर्स निशा की. ओ हाउ स्वीट. यानी कि कंपटीशन. और जो जीतेगा वो मेरे प्यार का हकदार होगा. वाओ. तो भाई हो जाओ शुरू. फैसला भी हो जाएगा. तेरी आंखें हैं झील, झरनों का है तुझ में जादू. बस एक नजर देख कर तुझको मेरा दिल होता है बेकाबू. कोई कहे झील, कोई कहे झरना, कोई दिल रुबा तुझको. मैं बेखौफ कह देता हूँ हुस्न का खुदा तुझको. वाह वाह वाह. खुदाई भी झुकती है मेरे यार के सामने. कोई टिक नहीं सकता
मेरे प्यार के सामने। ओह सुनील, दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू। इस तरह प्यार का इजहार नहीं होता, जो दो कदम साथ चले वो यार नहीं होता। प्यार करने वाले कांटों पे चलते हैं, जो आ जाए शोले तो शोलों में चलते हैं। क्यों तुझे मेरे प्यार पर एतबार नहीं होता? अगर दिलों में सच्चा प्यार नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती, ये संसार नहीं होता। वाह भैया, दैट इज ग्रेट। क्या बात है, मेरे भांजे। नहीं, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। जो मैं करके दिखा सकता हूँ, अगर आपके अजय भैया करके दिखा सकते हैं तो जीत उनकी। सो आई डोंट माइंड, मैं कर सकता हूँ, जो तुम करो। ये भैया, कम ऑन। यू श्योर? श्योर 100%। यू डेफिनेटली श्योर? श्योर। या हां, या 100%। दिखाओ दिखाओ। सोच लो। हां सोच लिया भाई। ओके, अरे राखी बांध लो। बांध लो राखी, कम ऑन, ट्राई दैट। बांधे हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा ये समझेगा दिल ही, ये जानेगा दिल का इशारा है। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा दिल ही, ये जानेगा दिल का इशारा है। मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से करने लगा, जो देखी मोहब्बत की दीवानगी तो मोहब्बत पे मरने लगा। मोहब्बत को तो चैन आए मेरी जा, मोहब्बत की आगोश में मोहब्बत से मिलके दीवाने रहे ना, मोहब्बत कभी होश में। मेरा दिल मेरी जा, तू मेरा अरमा, मुझे तो तेरी खूबसूरत जवान इन अदाओं ने जिगर में उतारा है।
घटा कह रही है हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत बदले मोहब्बत को, मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को, मोहब्बत से अरे तू क्या काम वाम के चक्कर में पड़ गया यार। अरे चलना अपने हरी सिंह के साथ बैठते हैं, पत्ते वत्ते खेलते हैं, मजा करते हैं। चलना यार सही में चल चल। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? एक रुपए पॉइंट पे गेम हो रहा है तेरे पत्ते बांटू। बकवास बंद कर, ये फैक्ट्री है ये जुआ खाना? हमारे लिए तो दोनों ही है, अंदर आ गए तो फैक्ट्री और पत्ता बढ़ गया तो जुए का अड्डा। यानी कि ये फैक्ट्री तुम्हें जुआ खेलने के लिए तनख्वाह देती है? पैक तनख्वाह तो देनी पड़ेगी क्योंकि फैक्ट्री चलाते हैं मजदूर, मजदूरों की होती है यूनियन, और मैं हूं उस यूनियन का लीडर। तो यूनियन लीडर क्या फैक्ट्री में काम नहीं करते? चलो बॉटल ये तामझाम उठा और चलो यहां से। ए, हमको हुक्म देने वाला तू कौन होता है? तू मत बोल, आप बोल। तेरी हरी सिंह एक मिनट अजय प्लीज मुझे बात करने दो प्लीज। हरि सिंह कैसी बात कर रहे हो, ये हमारे छोटे मालिक। अरे छोटा मालिक होगा अपने घर पे, यहाँ पे मजदूर है, मैं उसका सीनियर हूँ। वो बात सही है लेकिन हरि सिंह देखो फैक्ट्री में जुआ देखकर किसी के भी दिल को आग लग सकती है ना। अच्छा दिल में आग लग रही है तो जाकर सुपरवाइजर को बताना, वो जो कहेगा हम वो करेंगे। आजकल वो पुराना जमाना नहीं है कि छोटे नवाब बोल लेंगे और हम सब लोग गुलामों की तरह सर झुका के बैठे रहेंगे। जैसे काम चोरों की तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, समझे ना? अजय प्लीज तू जानता नहीं मुझे। अरे खड़ा क्यों है? हाँ क्या मुंह तोड़? एक मिनट अजय प्लीज एक मिनट। हरि सिंह देखो बात को यही रफा दफा कर। अरे बात रफा दफा नहीं होने वाली, आज यहाँ पर फैसला होने वाला है और तू बीच में मत पड़ियो। आई एम सॉरी हरि सिंह, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम समझते क्या हो, तुम यूनियन लीडर हो, इसका मतलब सब लोग तुम्हारे तलवे चाटेंगे। अबे साले तू घर जमाई क्या बन गया, अपने आप को इस फैक्ट्री का मालिक समझ बैठा। अजय रुक जाओ प्लीज फैक्ट्री सीखने के लिए भेजा था, सिखाने के लिए नहीं। पापा कोई भी कंसर्न अपने वर्करों को सैलरी काम करने के लिए देती है, ना कि जुआ खेलने के लिए। ये तुम्हारे सिद्धांत हो सकते हैं अजय, लेकिन उन्हें दूसरों पर लादने के लिए तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो फिर चार आदमी क्यों, पूरी कंपनी को जुआ खेलने की इजाजत दे दीजिए। अजय सिरान हमारे यहां चार आदमियों के चक्रव्यूह में फंसकर 4,000 वर्कर काम करते हैं,
वर्कर्स के दिमाग में यह भर दिया जाता है कि यूनियन के लोग ही उनकी भलाई के बारे में सोचते और उनकी भलाई कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक इस यूनियन ने वर्कर्स को भूखमरी, बेरोजगारी और चोरी चपाटी के अलावा कुछ नहीं दिया। भेड़ों के झुंड को कभी देखा तुमने? उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए 4 कुत्ते रखने पड़ते हैं। मिस्टर अजय कपूर, ये जो है ये वही है। यानी कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता था? जी हाँ। और ये देखते हुए जानते हुए हमें इसे अनदेखा करना पड़ता है। 25 सालों में आज तक इस फैक्ट्री में कभी स्ट्राइक नहीं हुई, और इसकी वजह यह है कि मैं यूनियन को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। हरी सिंह ने जब राजेश पर हमला किया तो इसने वापस उसे नहीं मारा, क्योंकि यह जानता है कि यह फैक्ट्री के हित में नहीं होता। लेकिन तुम अपनी जवानी के जोश में होश खो बैठे। देखो अजय, मैं बिजनेस कम्युनिटी में एक मजाक बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त उस यूनियन लीडर के पास जाकर उससे माफी मांगो। ठीक है पापा। अरे मजदूरों के लिए मार भी खा सकता है हरी सिंह, लेकिन मजदूरों को दबने नहीं देगा। गुलाम थोड़ी है। आई एम सॉरी। अंग्रेजी में कुछ बोला दिखे है, पर मने तो अंग्रेजी आती नहीं। अंग्रेजी आती होती तो वर्कर क्यों होते, मैनेजर होते। तो भाई अभी जो बात आपने अंग्रेजी में बोली, अब उसी बात को आप हमारे लिए हिंदी में बोल दो। बोलो बोलो। अरे बोल दो, शर्मा क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो। क्या बोला भाई, सुनाई दिया किसी को? अरे कल तो बड़ा चौड़ा होके सबके सामने तूने मारी शर्ट पाड़ दी, मारी बनियान पाड़ दी, मने नंगा कर दिया। तो आज छोटे नवाब छोटी आवाज में क्यों बोल रहे हो? अरे उच्ची आवाज में बोल। अरे चल बोल ना सबके सामने। मैंने कल इन पर हाथ उठाया, ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं इनसे क्षमा मांगता हूं। पापा जी, आज आपका हुक्म मानकर जिंदगी में पहली बार मैंने गलत आदमी के सामने अपना सर झुकाया है। देखो, इसमें गलती तुम्हारी थी, फिर अपनी गलती पर माफी मांगने में तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। पापा, मैं जो अंदर घुटन महसूस कर रहा हूं, अंदर ही अंदर जल रहा हूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माना कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, लेकिन आपके सोचने का और मेरे समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसमें एक पीढ़ी का अंतर आ चुका है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस मैं अपने आप ही शुरू करूंगा। और मैं जो बिजनेस करना चाहता हूं उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, एजुकेशन की जरूरत होती है। एंड पापा, आई एम अ हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन। बट यू आर आल्सो क्वाइट इनकैपेबल ऑफ रनिंग योर ओन बिजनेस। कंपनी चलाने के लिए कहाँ है तुम्हें काबिलियत? देखो बेटे, नदी के किनारे बैठ करके तैरा नहीं जाता। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बिजनेस में कौन सही है कौन गलत है, ये जाने बगैर बिजनेस नहीं होता। डुबो दोगे कंपनी को तुम। लेकिन पापा, आईटी बिजनेस में जाहिलों की जरूरत नहीं होती, पढ़े लिखे इंसान और काबिल इंसानों की जरूरत होती है। ओह, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? पढ़े लिखे काबिल इंसान जो है वो यूनियंस के साथ काम नहीं करते, उनके साथ तो आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी लगे हुए हैं। उसका भी हल है मेरे पास, अमेरिकन वे, हायर एंड फायर रूल। नो, ये वर्कर्स के साथ ज्यादती होगी।
और मेरे साथ जो ज्यादती हुई वो आपने नहीं देखी? पापा, आप यूनियन के साथ मिलकर वर्करों को कंट्रोल करना चाहते हैं और मैं वर्करों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता हूं। शायद यही फर्क है आपके और मेरी सोच में। ये फर्क नहीं है बेटे, हम दोनों के देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग है। मैं समझता हूं कि अनुभव जरूरी, तुम समझते हो कि एजुकेशन जरूरी। ये दोनों नजरिए मिल नहीं सकते, न पहले कभी मिले थे न भविष्य में कभी मिलेंगे। इसका मतलब मैं ये उम्मीद छोड़ दूं कि आप मेरे बिजनेस में मेरी मदद करेंगे। जीजाजी, जीजाजी कहाँ हैं आप? जीजाजी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, हम बर्बाद हो गए। जीजाजी लोग आपके नाम पर थूक रहे हैं। मामा जी सर बहुत बिजी हैं, क्या बात है मुझे बताइए। राजेश, अजय ने हमें कहीं का नहीं रखा। ये अखबार पढ़ो, पूरी मार्केट हम लोगों पर हंस रही है। ओह माय गॉड, मामा जी ये बात सर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये क्या मशीन बिजार बना रखा है? इसी में घर की भलाई है। क्या बात है जीजाजी? अब मामा जी बोलने के लिए रखा ही क्या है? ये अखबार देखिए, ये देखिए अजय ने क्या किया है। देखिए अजय ने बाजार से हुंडी साइन करके पैसे उठाए। क्या ये सब? कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और चाहिए? 100 करोड़ रुपए चाहिए? ये लो चेकबुक, लिखो इस पर रकम और ले जाओ। लेकिन दोबारा बाजार से रुपए उठाने की गलती कभी मत करना। चाहिए आज ये पैसे आप इसलिए दे रहे हैं ताकि बाजार में आपकी इज्जत बनी रहे, आपका नाम बना रहे। अपने बेटे से ज्यादा आपको अपने रुतबे से प्यार है, उसकी फिक्र ज्यादा करते हैं आप। और वैसे भी नफरत से फेंके हुए पैसे तो मैं जिंदगी में किसी से ना लूं। पापा ये चेकबुक वापस ले लीजिए। ठीक है अजय, बाप का नाम तो तुमने वैसे ही बाजार में उछाल रखा है, कल अगर तुम उसे गिरवी भी रख दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अजय देखो सर को बहुत दुख पहुंचा है, मैं तुम्हें यह सब इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। सर के दिए हुए पैसे कबूल कर लो प्लीज। राजेश जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। अजय अजय वो हुंडिया तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें मार्केट में वापस लौटा देता हूं। और वैसे भी घर के पैसे अपने बिजनेस में लगाने में कौन सी शर्म है? राजेश जस्ट लीव मी। अच्छा घर के पैसों पर ब्याज नहीं लगता, नफा नुकसान ये सब चीजें घर पे ही पड़ी रहती हैं, बाहर वालों को बात करने का मौका नहीं मिलता। राजेश बस नो, अकेला छोड़ दो मुझे। नो नो अजय, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम सर की बात मान लो प्लीज। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, चले जाओ यहां से। क्या बात है बेटी, तुम लोग कहीं जा रहे हैं? हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं पापा। क्यों? जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो उस घर में मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। ये जहां रखेंगे जैसे रखेंगे मैं जी लूंगी, और जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर इंसान दुख और परेशानियों के साथ इज्जत की जिंदगी जिए। बचपन से आपने मुझे यही सिखाया है ना। हाँ, पर किसने बेइज्जती की है तुम्हारे पति के साथ? प्रीति प्लीज और कुछ मत कहना, प्लीज लेट इट बी।
प्रीति तुम्हें मेरे सर की सौगंध है, सच सच बताओ क्या हो रहा है। अजय ने इनको घर से निकल जाने का हुक्म दिया है। अजय! अजय! क्या हुआ? आज कौन नहीं बोलेगा हमारे बीच? मैं अभी जिंदा हूं अजय, मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम राजेश को घर से निकल जाने का हुक्म दो? मैंने इसे कोई हुक्म नहीं दिया पापा, मैंने सिर्फ इसे अपने पास से जाने के लिए कहा था। अगर तुम कुछ बोलने की हिम्मत रखते हो तो उसे कबूल करने का भी जर्फ रखो। तुम अपने बाप के खौफ से झूठ बोल रहे हो। पापा मैं आपकी इज्जत करता हूँ, डरता नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि आज आपको मेरी सच्चाई पर शक होने लगा है। झूठ को सच करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम बौखलाए हुए हो, और क्योंकि तुम अपनी बौखलाहट मुझ पर नहीं निकाल सके इसलिए उसका उफान तुमने राजेश पर निकाल दिया। मैं जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है पापा। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता हूं। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें खुद पर यकीन है, यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे यकीन और काबिलियत की वजह से मार्केट तुम्हें ढेर सारे पैसे उठा करके दे देता है? गलत। मार्केट तो उस भिखारी को भी पैसा नहीं देता जिसे वह पहचानता न हो, और तुम्हारी पहचान यह है कि तुम विजय कपूर के बेटे हो। इस एक गुर की वजह से मार्केट तुम्हें इतने सारे रुपए देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम सूद भी ना दे सके तो विजय कपूर अपने आप को बेचकर मुंह तक चुकता कर देगा। पापा जी आपके अंदर इतना अहंकार क्यों भरा हुआ है? आपको ऐसा क्यों लगता है जो दुनिया वाले सांसें ले रही हैं वो आपकी बदौलत से है? देखो बेटे, बेटा जब जवान हो जाता है तो वो अपने बाप के स्वाभिमान को अभिमान समझने लगता है, और बाप को अपने बेटे के इस इनएक्सपीरियंस पर बड़ा तरस आता है। मुझे अपने नॉलेज के लिए घर वालों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब सोच में एक पीढ़ी का अंतर आ जाए तो दोनों को अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। अगर तुम्हें अपने रास्ते पर जाना है तो जाओ, लेकिन अपने बलबूते पर। जाऊंगा, मैं जाऊंगा अजय, जरूर जाऊंगा। प्लीज अजय, अजय सारे झगड़े की जड़ तो मैं हूं। प्लीज और कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बोलने दो इसे राजेश, आज अपने सारे लिहाज भूल चुका है। आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। और मार्केट से रुपया उठाने के लिए भी मैंने तुम्हें मजबूर किया था। आपके मना करने के बाद मेरे पास और कोई रास्ता रहता नहीं था। शायद आपको मेरी काबिलियत पर शक है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होता तो मैं तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजता। तुम्हारी काबिलियत पर अगर मुझे शक होता तो मैं तुम्हारे लिए ये लाइफस्टाइल बनाता। तुम्हारी काबिलियत पर अगर मुझे शक होता तो कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथों में दे देता। और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर के एक एहसान परामोश की तरह मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है। पापा मुझे कहीं जता तो नहीं रहे कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया? शक टच, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक बाप अपने बेटे को जताएगा कि उसने उसके लिए क्या क्या किया? शॉकिंग। आपका मतलब? अजय, अजय एक मिनट मुझे बात करने दो। अजय कुछ मत करना, मुझे बात करने दो। तो राजेश, मेरा मकसद तुम्हें गिराने का नहीं था, वो गलती से मेरा हाथ लग गया। I'm sorry। नहीं अजय, it's okay, it's okay। अजय पापा सुनिए, प्लीज आप नाराज मत होइए। ये सब अनजाने में हुआ है, अजय ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकता।
प्लीज। प्रतिमा, ये धक्का अजय ने राजेश को नहीं मुझे दिया है, ये ठोकर उसे नहीं मारी है, मुझे मारी है। ये घर मेरा है, इस घर में बोले हुए मेरे हर अल्फाज कानून के बराबर है, और मैं अजय को इस समय हुक्म देता हूं कि वो घर छोड़कर चला जाए। Get out from here. Just get out. अजय भैया, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, तेरे पापा ने अगर गुस्से में आकर एक बात कह दी, तूने उसे दिल से लगा लिया और घर छोड़ के जा रहा है। मम्मा, आपने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? कहते हैं ये घर उनका है, उनके जुबान से निकलो हर लफ्ज इस घर का कानून है, और कानून को तोड़ने वाला गुनहगार होता है, जो ना मैं आपकी नजरों में बनना चाहता हूं। अच्छा भैया, और ना पापा की। भैया प्लीज मत जाओ। अजय, अजय प्लीज रुक जाओ। अजय, अजय जाने दो इसे, बाप और बेटे का रिश्ता पानी की तरह होता है, आज ये अलग हुए हैं, कल वापस मिलकर एक हो जाएंगे। मैंने तुमसे प्यार किया है अजय, तुम्हारी हैसियत से नहीं, और ना ही तुम्हारे परिवार से। मेरे साथ चलो, डैडी हमें सही रास्ता बताएंगे। नहीं, मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दे सकता जिस आदमी को उसके ही परिवार ने बेदखल कर दिया। भले ही मेरे परिवार ने मुझे घर से बेदखल कर दिया हो, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं, ना मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं, और ना ही अपनी बेटी का कोई संबंध तुमसे जोड़ूंगा। तुम जा सकते हो। डैडी, मैंने आपके हर फैसले की इज्जत की, उसे माना, और जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया, मैंने उम्मीद की थी कि आप मेरे फैसले से रजामंद होंगे, पर आपने मेरी मोहब्बत की बेइज्जती की, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अजय के साथ अपना घर बसाने जा रही हूं, पिता के कन्यादान के घर से। मैं आपको कभी मुक्त नहीं करूंगी। दिल है, मेरा दिल।
सुन यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। सुनी सुन मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आकी, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी सर काफी दिनों से आप ऑफिस नहीं हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है सर, इसलिए मैं ये कागजात आपके दस्तखत के लिए घर ले आया सर। राजेश, इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, ऊपर से कुछ दिनों में प्रिया की शादी है, शादी ब्याह में 50 काम होते हैं, वो भी तो मुझे ही देखने हैं। थैंक यू सर। सर आपका साथ देने के लिए आपको मजबूत कंधों की जरूरत है सर, आप अजय को वापस क्यों नहीं बुला लेते सर? क्या प्रिया की शादी भी तय हो गई? हाँ अजय, तू घर आएगा सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा फैसला हुआ और मुझे घर वालों ने बताया तक नहीं, क्या मैं इतना गैर हूं? तू ही बता, मैं इतना गैर हूं क्या? नहीं अजय, दरअसल सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, तू घर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ये बात अपने दिल पे मत ले। ये देख शादी का कार्ड, देखना देखना अजय। नाम तक कार्ड में नहीं डाला। आयम वयम धान्य धन्यादिकनां दृष्टवान् निवेशं प्रग्रहं विदध्याः वामांग मायां तदा त्वदीयं जगाति कन्यावचनं तदुक्तं न सेवन्या परिचीजाया त्वया भवे भवनिका मनुष्यव वामांग मायां तदा त्वदीयं जगात कन्यावचनं च सत्तमम्।
मेरी छोटी सी, मेरी प्यारी सी। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जब से हमारी शादी हुई मैं प्रीति को कहीं घुमाने नहीं ले गया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्रीति को कहीं घुमाने ले जाऊं तो वो खुश हो जाएगी। क्यों ना राजेश, तुम जब जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, बस प्रोग्राम बता देना। दरअसल हम दोनों ने सोचा कि हम आज शाम को ही निकलेंगे, लेकिन कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। अगर आप वो मीटिंग अटेंड कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है राजेश, तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू सर। कपूर साहब, माना कि राजेश ने आपके कारोबार की बागडोर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभाल ली है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप गुस्से को थूक कर अजय को वापस बुला लें। यप। सब वो लोग आ गए। यस अंदमैन। आइए। राजेश मुझसे कह ही रहा था कि बिजनेस के बारे में आप लोग मुझसे कुछ। ये क्या है? ये नोटिस है कपूर साहब, हमारी कंपनी से सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो आपने 50 करोड़ रुपए लिए हैं, हम वो आपसे वापस मांगने आए हैं। बैंक के ओडीज और लिमिट्स तो छोड़िए, आपने चेक पर चेक बाउंस करवाकर अपने साथ साथ हमारी रेपुटेशन भी बिगाड़ दी है। ये आपके फैक्ट्री और मकानों के पेपर्स हैं जो कि प्लेज किए हुए हैं, अब इन्हें लिक्विडेट कराकर ही हमारा कर्जा वसूल हो सकता है। इतनी बड़ी डिसेप्शन, इतना बड़ा धोखा देकर आपने पूरे फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मचा दी है। इट्स ओवर, यू आर फिनिश्ड मिस्टर विजय कपूर। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, एक बड़ा दौलतमंद इंसान बनना। मैं कितना भी कमा लेता, सिर्फ एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा होता, जो करोड़ों लोग करते हैं। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर अपना निशाना बनाया मिस्टर विजय कपूर को। उनका विश्वास जीत कर उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। वहां मुझे पता चला कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी बेटी प्रीति। प्रीति के सामने मैंने अपने आप को इस तरह पेश किया कि उसे मुझसे प्यार हो गया। अब मेरा रास्ता उनके ऑफिस से उनके घर की तरफ मुड़ा। मिस्टर विजय कपूर मुझे फ्लैट, गाड़ी, पोजीशन, ये सब देना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे भीख नहीं लेना चाहता था। उन्होंने मेरे इस इनकार को त्याग समझकर अपने ही बेटे की तरह अपने घर में पना दे। ये मेरी पहली जीत थी। मेरे मकसद के बीच सबसे बड़ी दीवार मिस्टर विजय कपूर का बेटा अजय। लेकिन पहले ही दिन बाप बेटे की बातचीत से मैं ये समझ गया कि दोनों का जिंदगी में चलने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके बाद मैंने अपना दूसरा खेल खेला जब विजय कपूर ने अपने बेटे को फैक्ट्री में एक्सपीरियंस के लिए भेजा था। हरि सिंह, अपने बहनों को पिटते हुए कौन सा साला देख सकता? अरे कोई नहीं था। अजय ने गुस्से में आकर हरि सिंह की बहुत दुलाई की और ये बदमाश चुपचाप मार खाता गया। बाद में इसने फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दी। ये बात मिस्टर विजय कपूर को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपने ही बेटे को हरी सिंह से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। हाँ साहब, और मैंने भी ऐसे माफी मंगवाई कि क्या बताऊं, जैसे भरे बाजार में किसी को गीले जूते से पीटा। बस इसके बाद क्या हुआ, बाप बेटे के बीच थर्मयुद्ध शुरू हुआ। अजय ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपने बाप से पैसे मांगे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया।
तो अजय ने जोश में आकर मार्केट से हुंडियों पे साइन करके पैसे उठा लिए और मैंने उसी खबर को अपने अखबार में छपा दिया। खन्ना साहब, आपकी इस खबर ने आग में घी का काम किया। अजय जी हाँ, मिस्टर विजय कपूर ने गुस्से में आकर अपने बेटे से मुंह मांगी रकम वापस देने की पेशकश की और फिर हम तो वहां जले पे नमक छिड़कने के लिए तैयार ही थे। मैंने अजय को इतना उकसाया, उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने मुझे सिर्फ वहां से जाने को कहा। मैं प्रीति के पास चला गया। बहन के घर में भाई कुत्ता होता है और ससुर के घर में जवाई कुत्ता होता है, बेटा बेटा होता है और कुत्ता कुत्ता होता है। मैंने प्रीति को इतना भड़काया कि उसने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मिस्टर विजय कपूर, जो पहले से ही जख्मी शेर की तरह क्रोध में बैठे हुए थे, हमारा घर छोड़ के जाना उनके जख्मों को कुरेदने के बराबर हो गया। आखिरी बार बाप बेटे के बीच झगड़ा हुआ जिसमें अनजाने में अजय का धक्का मुझे लग गया और मैं जानबूझकर दूर जाकर गिरा। इसी बात पर विजय कपूर ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरी दूसरी जीत थी। अब मुझे यह देखना था कि वापस बाप बेटे कभी ना मिल सके। ये मौका मुझे प्रिया की शादी पर मिला जब मैंने जानबूझकर सिर्फ एक कार्ड ऐसा छपवाया जिसमें अजय का नाम नहीं था। फिर मौका देखकर जब मिस्टर विजय कपूर अपने लाडले की याद में खोए हुए थे, मैंने कागजातों के बीच अपने नाम की एक पावर फटौनी रखकर उनसे साइन करवा दी। अब शुरू हुआ बर्बादी का दौर। मैंने उनकी सारी जायदाद, उनकी फैक्ट्री और उनका बंगला गिरवी रख दिया, लेकिन आधे दाम पर। कागजातों पर पूरी कीमत लिखी थी। मिस्टर विजय कपूर रिश्ते निभाने की फिराक में कंगाल हो गए और मैं रिश्तों का सहारा लेकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। कंग्रेचुलेशन बलवान, ये मेरी लाइफ की कहानी। ये अदालत दलाल फाइनेंसर्स को मिस्टर विजय कपूर का बंगला, फैक्ट्री और उनकी तमाम जायदाद की नीलामी करके अपनी रकम वसूलने का हुक्म देती है। कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा लुटा वो आशियाना, पल में बन गए सारे अपने बेगाने, याद बहुत आते हैं गुजरे जमाने, बस तबाही है गम के साए हैं, सुनी आंखों में सिर्फ पानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है।
ये घर नहीं, पापा की इज्जत है। इस घर को मैं नीलाम होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। चुकी है कर ले मेरा यकीन।
दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। क्या हुआ जी, आज इतनी देर से लौटे? मैं घबरा गई थी। कुछ नहीं, जरा घर चला गया था। कौन से घर? अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास। और मैं? तुमने इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से कर लिया? मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। है अजय, है। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया था? उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब तुम अंदर से बिखर गए थे और तुम्हें संभालने के लिए किसी अपने की जरूरत थी? बताओ अजय, बताओ। तब कोई संभालने नहीं आया, ये अचानक उनके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी कहाँ से जाग उठी? निशा, उनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मेरे पापा बीमार हैं, उनकी फैक्ट्री, उनका घर नीलामी पर है, और इस हालात में मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। तुम्हारा हर फर्ज और हर धर्म मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है अजय। जब तुम्हारे इस परिवार ने तुम्हें ठुकरा दिया था, उस वक्त सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे सामने भी मेरी डैडी थी, उनके लिए भी मेरा कोई फर्ज और धर्म था, लेकिन अपने प्यार की खातिर मेरे सब कुछ ठुकरा कर तुम्हारा साथ दिया। और आज जब मैं इस हालत में हूं जहां मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? कौन तुमसे दूर जाना चाहता है निशा? मैं कभी तुमसे दूर था, न कभी दूर हो सकता हूं। तुम उस परिवार की बहू हो, वो लोग तुम्हें अपने पलकों पर बिठाएंगे। जब उन लोगों ने कभी अपने आप को तुमसे अलग नहीं समझा, तो तुम क्यों अपने आप को अलग समझती हो? हाँ, तुम्हारे साथ हर सुख हर दुख गवारा है, लेकिन किसी दूसरे रिश्तों के साथ तुम्हारा प्यार बटे, ये मुझे मंजूर नहीं। कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो अजी, आज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? निशा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर जाना इतना ही जरूरी है, तो फिर तुम्हें आज अभी इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओगे या फिर मेरे साथ रहोगी। रिश्तों का वास्ता देकर रिश्ते तोड़ना चाहती हो तुम? निशा, तुम चाहो तो हर कदम मेरा साथ दो, न चाहो तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। अजी, हेलो हेलो डैडी, डैडी मुझे यहां से ले जाओ, मुझे यहां से ले जाओ। माँ। अजय, कैसी है तू? बस, कैसा है तू?
अरे निशा कहाँ है? उसे नहीं लाया? माँ, माँ, माँ आप दादी बनने वाली हैं, इसलिए उसे अपने पापा के पास छोड़ आया हूँ। कमाल है, इतनी बड़ी खुशखबरी और तूने हम सबसे छुपा के रखी। चल प्रतिमा, मुझे किसी की दया ना मदद की जरूरत है। विजय कपूर झुका जरूर है लेकिन टूटा नहीं। आज भी उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने युद्ध खुद लड़ सके और उन्हें जीत भी सके। पर पापा मेरी बात तो इसे कह दो, मुझे किसी से बात नहीं करना है और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूं। तेरे पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए चिड़चिड़े हो गए हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना। नहीं माँ, इसमें पापा की गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। माँ मुझे आज भी याद है जब पापा मुझसे नाराज हो जाते थे तो मैं चुपचाप आहिस्ते से उनकी गोद में चला जाता था। पहले थोड़ा डांटते थे लेकिन फिर बहुत प्यार करते थे। कब बड़ा हुआ, कब मुझ में अहम आया, मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन जब मुझे घर से जाने के लिए कहा तो मैं चला गया। अगर मैं रुक कर उनके गले लग जाता तो क्या वो मुझे माफ नहीं करते? कर देते थे ना मां? मेरे अहंकार ने इस घर को तोड़ कर रख दिया है, बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ, सबको इतना दुख पहुंचाया है। तुम्हें भी कितना दुख पहुंचाया मां? नहीं, मुझे माफ कर दो मां, प्लीज फॉरगिव मी। तू बड़ा हो गया ये तो मैं देख पाती थी, लेकिन लेकिन तुझ में इतना बड़प्पन आ गया है कि मैं आज पहली बार जान पाई हूं। मुझे क्रोध, अहंकार इंसान को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। अक्सर इंसान उसी को गलत समझता है जो उसकी सबसे ज्यादा भलाई चाहता है, और ये गलती करके वो उसे खो देता है। विजय, तुम ठीक वही गलती कर रहे हो। जब तक तुम्हें एहसास हो, पछतावा हो, मुझे डर है कि कहीं कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं इसलिए तुम्हें टोक रही हूं, तुम्हें कह रही हूं कि तुम उसके साथ बुरा बर्ताव मत करो, तुम उसे प्यार करो, प्यार से पेश आओ। विजय, तुम उसे पुरस्कार नहीं दे सकते, ना सही, पर कम से कम उसका तिरस्कार तो मत करो प्लीज। हेलो, हेलो, कौन? हेलो, 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 आप बोलते क्यों नहीं? ये क्या मजाक हो रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो,
कपूर साहब हैं? जी वो इस वक्त सो रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं दलाल फाइनेंसर्स का प्रोपराइटर अंकित दलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं अजय कपूर उनका बेटा बोल रहा हूँ। मिस्टर अजय, अब तक तो आप लोगों ने फैसला कर ही लिया होगा कि आप मेरा पैसा मुझे लौटाएंगे या मैं मकान की नीलामी का बंदोबस्त शुरू कर दूं। ना हम इस घर की नीलामी होने देंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे कि आप जैसे हल्के लोग इस घर में दोबारा फोन करें। मिस्टर दलाल, अपनी औकात में रहिए आप। हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है मिस्टर अजय कपूर? हम तो बिजनेसमैन हैं। जो बोलना है जाकर अपने जीजा राजेश पुरोहित को बोलिए, जिसने आपका बंगला हमारे यहाँ गिरवी रखा है। राजेश। अजय, क्या पियोगे, चाय या? मैं आज तुम्हारे घर मेहमान बनकर नहीं आया हूँ राजेश। हाँ, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ, जो पापा ने तुम्हें नौकरी दी, क्या वो उनकी गलती थी? तुम्हारी जिंदगी सवारी, क्या वो उनकी भूल थी? तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें इज्जत दी, क्या ये उनका अपराध था? क्यों धोखा दिया मेरे पापा को तुमने? तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे घर का सुख चैन छीन लिया, क्यों? अजय, तुम्हें इंसाफ चाहिए, कोर्ट में जाओ। यहां खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगाने से मैं गुनहगार नहीं बचाऊंगा। और मैंने किसी के साथ चीटिंग नहीं की और ना ही मैंने किसी के साथ धोखा किया, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक बेवकूफ आंसू बहाने वाले खानदान के साथ बिजनेस किया और उनसे रुपए कमाए। आज रिश्तों ने मेरे हाथ बांध दिए, वरना कसम से तुझे खून की आंसू रोना था और तू हमारे पैसे देने खुद चलकर हमारे घर पर आता। अजय, एक बहुत पुरानी कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, चोरों का भाई एक तरफ। चलो मैं तुम्हें भीख में दे देता हूं, 5, 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ नहीं रुपए। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ। राजेश, मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और कहीं गलती से मैंने अपना हाथ फैला दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हाथ साफ करने वाले अपने जीजा पर हाथ उठाएगा? अजय, मैं पागलों और बेवकूफों को ज्यादा देर तक अपने दरवाजे पर टिकने नहीं देता। गेट आउट। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मेरे घर में गुंडा घुसा है, वो तोड़फोड़ कर रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। लिखिए ना, राजेश विला, 12th रोड खार। साहब, वो गुंडा कितने गया? इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कीजिए, इसीने ये तोड़फोड़ की है, मोपड़ी दे। नहीं इंस्पेक्टर, आप मेरा मेडिकल करवाइए और इसके ऊपर इतना बड़ा केस कीजिए ताकि ये बेल तक पे नहीं निकल पाए। ओए गुंडा, देखा आपने आपके सामने ऊपर हाथ उठाया, नाम किया तेरा? आप तमीज से बात कीजिए मुझसे। अजय कपूर मेरा नाम है, मेरे पापा का नाम है विजय कपूर, समझे? ओए, तू विजय कपूर का पुत्र है? हाँ। तो पुत्र है, हंगामा करने दी की लोड़ सी, अब तो थाने चल नहीं पाऊ, एने केस जो ठोक देता है। हाँ? मुझे क्या देख रहा है तू? मुझे क्या देख रहा है? चलो। हाँ? और क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? जा भवालात में। क्या
क्या कर रहे हो तुम? और जी इतने सहन कर दीजिए। ओए कार्ड ओनू बाहर। यस सर। शरीफा नू जीन दोगे कि नहीं तुसी? चलो भाई बाहर आ जाओ। थैंक यू साहब जी। मैं सारी जिंदगी कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, लेकिन तुम्हारी वजह से घंटों मुझे उस नरक में जाकर के बैठना पड़ा। ये मार धार खून खराबे से क्या मिलेगा तुम्हें? नहीं बताओ मुझे तुम, भगवान न करे अगर राजेश को कुछ हो जाता तो क्या तुम प्रीति को एक सफेद साड़ी में देख पाते? सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खड़े रहते और भुगतना पड़ता हमें। क्या समझते हो तुम कि ये हत्या और हथियारों से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? हैं? मत भूलो अजय कि राजेश हमारा दामाद है, उसका अगर एक भी रुआ टूटा तो भुगतना हमारी प्रीति को पड़ेगा। मेरे लिए तो यह बहुत ही आसान काम था, क्योंकि इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा जो है वो हमारे दरवाजे को मंदिर की चौखट समझकर आकर उसे चूमता है, मिनटों में यह काम पूरा हो जाता है। प्रीति राजेश को समझाने की कोशिश कर रही है, उसे बदलने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए। राजेश तुम मेरे पति हो, तुम्हें समझाना मेरा धर्म है। देखो अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, पापा के पैसे लौटा दो, उनसे माफी मांग लो। मैं वादा करती हूँ पापा तुम्हें पहले से भी ज्यादा मान और इज्जत देंगे। देखो प्रीति, जब तक ये रुपये मेरे पास है, मेरी अपनी मान अपनी इज्जत, मुझे किसी और की मान और इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। पर ये पैसे तुम्हारे नहीं है राजेश, हमारे परिवार ने तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं चाहा, बल्कि तुम्हें अपनाया है। यकीन मानो अगर तुमने ये पैसे पापा से मांग लिए होते तो हम मुस्कुराते हुए तुम्हें यूं ही दे देते। भीख में? हाँ? तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हारे बाप से भीख मांगू? तो उन्हें धोखा देकर तुमने सब लूट लिया। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने बिजनेस किया है, अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। अगर यही पैसे मैंने किसी और से कमाए होते तो तुम इन्हीं पैसों के साथ मौज मस्तियां कर रही होती, तुम इन पैसों का सुख उठाती। लेकिन आज तुम मुझे इसलिए शिक्षा दे रही हो क्योंकि ये रुपए जो है मैंने तुम्हारे बाप से कमाए। अगर तुम गलत ढंग से किसी के भी पैसे ले आते तो भी मैं कभी उसे नहीं छूती। हाँ। राजेश, इस तरह से कमाए हुए रुपए 4 दिन का मजा देते हैं और बाकी जिंदगी सिर्फ एक सजा बनकर रह जाती है। प्लीज राजेश, ये बेईमानी के पैसे लौटा दो, प्लीज। प्रीति, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी मेहनत को तुम बेईमानी कहो। देखो तुम समझ से क्या हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनते रहूंगा। मेरे बिजनेस में दखलअंदाजी मत करो। स्टे आउट ऑफ इट। हमारे यहां कानून बनने से पहले उसकी कार्ड बना ली जाती है। इस नीलामी को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है वकील साहब। मल्होत्रा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए ताकि थोड़ा वक्त मिल जाए कुछ सोचने के लिए? स्टे ऑर्डर तो आप साफ समझिए कि आपको मिल गया, 4-6 महीने मैं तारीखें बढ़वाता रहूंगा, मैं कल ही अपील दायर कर देता हूं। ये देखो। लो, अब इस गाड़ी ने धोखा दे दिया। पापा आप वहां उस बेंच पर बैठ जाइए, मैं जरा पंचर वाले को ढूंढता हूं, बस 5 मिनट में। साहेब आप हमका चीना नहीं साहेब, हम हैं रमेश सर साहेब, ई संडू चौक का स्टाल साहेब,
हम आपका फैक्ट्री के बाहर लगाते थे और का धक्का पेल धंधा चलता था साहेब, डेटन आटन। न जाने कौन ससुरे की नजर लग गई साहेब और फैक्ट्री आई बंद हो गई। साहेब हम सुने हैं कि फैक्ट्री तोड़कर बड़का बड़का बिल्डिंग बनी वहां। साहेब गरीब मजदूरन आपका पूजत है, आप तो उनके माई बाप हो साहेब। उनका विश्वास है कि साहेब उनको भूखा मरे ना दी है। जब तुम सब लोगों का विश्वास है, तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, तो फैक्ट्री हम जरूर बचा लेंगे। साहेब एक ठो बिनती है, जाने से पहले हमारे हाथ का बना एक ठो सैंडविच वा खाई लियो ना साहेब। नहीं रहने दो। खा लीजिए ना पापा, जब आज तक आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा तो इसका भी दिल रख लीजिए। अरे भाई साहब एक सैंडविच बनाना, उसमें जरा तीखा जार डालना, ठीक है? अभी लाया साहेब। और जरा जल्दी बना देना, बहुत भूख लगी है। साहेब शुक्रिया, लीजिए ना पापा। नहीं तुम खाओ। पापा एक पीस ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपको याद है बचपन में आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाते थे? बिल्कुल सादा खाना होता था, मिर्च नाम की तो कोई चीज नहीं होती थी, और आप वो खाना मेरे साथ बैठकर खाते थे। जबकि तीखा खाना आपको बहुत पसंद था, आपकी कमजोरी थी, इसलिए मैंने ये सैंडविच भी बहुत तीखा बनवाया ताकि आपके साथ आपके इस सुख का मजा मैं भी ले सकूं। लेके आज तक जब भी मैंने ठोकर खाई, मैं गिरा, आपने मुझे संभाला, और आज जब दुनिया से ठोकर खाकर आप लड़खड़ाने लगे, तो मैं आपकी लाठी, आपका सहारा नहीं बन सकता। आप मुझे अपना हाथ क्यों नहीं देते पापा? निशा
अजय, मुझे याद कर रही हो? मैं भी तुम्हें हर पल हर लम्हे याद करता हूं। अब ये यादों का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अजय, 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 गलती मेरी थी। मैं खामखा तुमसे उलझ पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। आई लव यू। आई लव यू अजय। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये बंधन के कहां जा रही हैं आप? आज रक्षाबंधन है और मैं और तुम कहीं नहीं जाओगी और किसी को राखी नहीं बांधोगी। इज दैट क्लियर प्रीति? तुम में जितनी ताकत हो आज उसे आजमा के देख लो। हमारे बंधन के सामने मैंने माथा टेका है, घुटने नहीं टेके हैं। तुम मुझे अपने भाई को राखी बांधने से नहीं रोक सकते। किस भाई की बात कर रही हो तुम? ये मत भूलो कि उस भाई ने तुम्हारे पति पर हाथ उठाया है। उसने मेरे पति पर नहीं, एक चोर बेईमान धोखेबाज आदमी पर हाथ उठाया है जिसने मेरे पापा को लूट लिया। मैं धोखे पास हूं, तेरे गले में पत्थर बांध के तुझे समुंदर में फेंक दूंगा, लेकिन तुझे उस कमजर्फ के पास नहीं जाने दूंगा। प्रीति, मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। खोलो इंस्पेक्टर साहब, इसी ने फिर से तोड़फोड़ की है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर साहब, आज रक्षाबंधन है और ये आदमी मुझे अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं दे रहा। ओ हो हो हो, ओले, सारी गल मैनू हुण समझ आ गई। ओए गल सुन, तू आदमी है या पजामा? दुनिया की कोई ताकत एक भरा नू रखड़ी वाले दिन अपनी भैन नाल मिलन तो रोक नहीं सकता। और वैसे भी हलवाई अजे तक कोई कानून नहीं बनिया जो एक भरा नू अंदर कर दे क्योंकि वो अपनी भैन कनोर रखड़ी बनवाने आया सी। ओए, तू कुछ पागल ते नहीं है? अजय, आज के दिन हर बहन को अपने भाई से तोहफा मांगने का हक होता है। बोल, तुझे क्या चाहिए बहन? रक्षा करने के बंधन को ही रक्षाबंधन कहते हैं ना। आज मैं चाहती हूं तुम मेरी रक्षा करो, मुझे यहां से हमेशा के लिए अपने साथ घर ले चलो। हाँ। घर ले चलो मुझे। चल।
ए हलवाई हुण तेनू कौन बचाएगा? ओ जद तक वो तेरे कार सी ओ तेनू बचाने वाली टाल सी ओ ते चली गई हुण तेनू कौन बचाऊ पाऊ? ए रब्बा खैर करी। I'm sorry पापा, I'm really sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक भूल की सजा पूरे घर को मिल रही है। अरे कैसी सजा बेटी, इधर देखो, ये तो वक्त का तकाजा है। राजेश को पहचानने में भूल सिर्फ तुमसे थोड़ी ना हुई, मुझसे भी हुई है, तुम्हारी माँ से भी हुई है, परिवार के और सदस्यों से भी हुई है। तुम जानती हो इंसान और भगवान में फर्क क्या होता है? इंसान जो है वो लोगों को पहचानने में हमेशा धोखा खाता है, भगवान कभी नहीं खाता, इसीलिए तो वो भगवान है। और रही बात रिश्तों की, तो इंसान रिश्तों में कभी कभी धोखा खा जाता है। रिश्ता तोड़ने वाले सब कुछ खो देते हैं बेटा, जोड़ने वाले हमेशा आबाद रहते हैं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी खुशी उनके बच्चे हैं। आज सारा परिवार एक साथ है। अब मुझसे ज्यादा भाग्यशाली औरत और कौन हो सकती है? अब आप चलिए भैया, जल्दी से राखी बनवा लीजिए। पर माँ, ऐसे मौके पर किसी एक की कमी नहीं महसूस होती? हाँ, निशा की। अजय, तुम निशा को घर क्यों नहीं लाते? हाँ भैया, आज आपको निशा को लाना ही पड़ेगा। निशा मेरी सहेली है, मैं भी तो देखूं भाभी बनने के बाद कैसी लगती है वो। प्रिया, निशा अपने पापा के घर पर है, उसे आराम करने दो। बस अजय, वो अपने पापा के घर जितने आराम से है ना, उससे ज्यादा आराम हम उसे देंगे। क्या बात की दीदी ने, वाह, दिल खुश हो गया। जब मेरे जैसा निठल्ला काम धाम त्याग कर घर में रह सकता है, तो क्या हमारे घर की बहू घर में नहीं आ सकती? और फिर हमें निशा की गोद भराई भी तो करनी है। माँ, हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम अपनी घर की रक्षा करें, गोद भराई तो होती रहेगी। अजय, मगर तुम ऐसा क्यों कहते हो? माना कि इस वक्त हम लोग बुरे वक्त के बादलों में घिरे हैं, पर रस्में तो हम निभाएंगे ना। गरीब आदमी जो शानो शौकत से दिवाली नहीं मना सकता, वो भी अपने दरवाजे पर दो चार दिए जलाता है। देख, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। हाँ, जाके बहू को ले आ, हम उसकी गोद भराई की रस्म की तैयारी करते हैं। हाँ चले। निशा तुम्हारे साथ जाएगी, मगर एक शर्त पर, तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे। डिवोर्स? ठीक है सर, आप उसे मेरे साथ मेरे घर भेज दीजिए। ये पेपर्स मैं निशा के साथ आपको लौटा दूंगा। निशा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे बीच जो हालात हैं, प्लीज मेरे घर वालों को मत बताना। ओके।
गम सह लूंगी, हर कमी बर्दाश्त कर लूंगी, पर तुमसे अलग नहीं रहना चाहती अजय। मुझे नहीं जाना है, मैं यही तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमने कभी हाथ में हाथ लेकर साथ जिंदगी निभाने का वादा किया था, पर आज साथ छुड़ाकर तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। अजय
मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, ये लो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। तलाक। पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नीचे आ जाओ। डैडी, मुझे घर ले चलो डैडी। हाँ बेटा। मुझे घर ले चलो। हाँ बेटा। हेलो। जी मैं एडवोकेट मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अंकल। स्टे ऑर्डर का क्या हुआ? आई एम सॉरी मिस्टर अजय कपूर, अदालत ने स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया। ओह नो। स्टे ऑर्डर के बारे में मिस्टर मल्होत्रा ने क्या कहा? पापा नामंजूर हो गया। चलो घबराने की कोई बात नहीं है, आज एक कल में ब्रिज लंदन से आ रहा है, उसके आते ही पैसे का बंदोबस्त आएगा। तुम उसके ऑफिस फोन करते रहना ये पता लगाने के लिए कि वो कब वापस लौट रहा है। पापा अगर ब्रिज अंकल सही वक्त पर ना आए तो हम क्या करेंगे? तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर कुछ कहने आया हूं। मैंने फैक्ट्री बचाने की जितनी मुझ में हिम्मत थी ताकत थी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फैक्ट्री नहीं बचा सकूंगा। मैं तो चाहता हूं कि जो रिश्ता आपके और हमारे बीच बना था वो सारी जिंदगी बना रहे, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पापा ब्रिज अंकल ने क्या कहा भैया? वो इसी शहर में है लेकिन हमारी फैमिली के लिए वो लंदन में बैठे। पापा ने एक बिजनेसमैन से दोस्ती की और उसने दोस्ती का बिजनेस किया। ये बात पापा तक ना पहुंचे तो अच्छा है, ये आखिरी भरोसा था पापा का, इसका सदमा उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा? तुम संभालो अपने आप को, मुझे भरोसा सब ठीक हो जाएगा। हरी सिंह जाओ, इन मजदूर और इनके परिवारों का दुख बांटने की कोशिश करो, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख अपनाने से दुख कम होता है। जाओ इन लोगों को राहत दो, जाओ हरी सिंह। राजा बाबू, आपने मेरी जान बचाई, क्यों
इस मुजरिम के झोले में बिन मांगे दया की भेंट चढ़ा रहे हैं आप। क्यों? इन मजदूरों के दिल में मेरे लिए जगह बना रहे हैं आप। क्यों साहब? आप नहीं जानते, मैं जानबूझकर आपसे फैक्ट्री में उलझा था। आपसे बार बार माफी मंगवा कर आपको जलील किया था मैंने, लेकिन मैं हमेशा से नहीं था। एक टाइम था जब मैं अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे मालिक ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल तक पढ़वाया हमारे मालिक ने। लेकिन थोड़े पैसों के लिए मैं भूल गया साहब, मैं भूल गया। मैं ये भी भूल गया कि जब तक हमारी फैक्ट्री में मशीनें नहीं चलेगी, हमारे घर में चूल्हा नहीं चल सकता। मैं तक गिर गया था साहब। मैंने अपने मालिक के साथ गद्दारी की। आज के बाद कभी कोई मालिक अपने मजदूर पर भरोसा नहीं करेगा, और कभी कोई मजदूर अपने लिंटर पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पर लात मारने वाले को माफ किया जा सकता है सर, लेकिन हरि सिंह तोमर ने तो अपने मजदूर भाइयों के पेट पे लात मारा साहब। मैंने वो गुनाह किया है जिसकी सजा इन लोगों के परिवार वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि मैं भूल गया था साहब कि मालिक के घर में अंधेरा करके कभी किसी मजदूर के घर में रोशनी नहीं आ सकती। साहब, साहब, मैं किसी का नहीं हूं साहब, मैं मालिक का नहीं हूं, मैं मजदूर का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं साहब। मुझे 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 बाहर डालो, ओ मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दो मेरे, मेरा जीने का कोई हक नहीं है, ओ मेरा जीने का कोई नहीं। हरि सिंह, संभालो अपने आप को, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस इतना ही काफी। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मैं प्रायश्चित करूंगा साहब, साहब मैं प्रायश्चित करूंगा। हम लोग सब अपनी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन अपने मालिक के ऊपर राज नहीं आने देंगे साहब। साहब ये बाजी हम हार चुके हैं, लेकिन इस जंग में जीत हमारी होगी। बहुत देर हो चुकी है हरि सिंह, बहुत देर हो चुकी है। नहीं साहब, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इतने सारे पैसे जमा कर सके। अब ना हमारा वो घर बचेगा, ना ये फैक्ट्री। साहब, मैं इनकी पत्नी हूं। एक औरत अपने पति के जीते जी उसका मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती। ये मंगलसूत्र नहीं, ये एक औरत का विश्वास है, और आज इसी विश्वास की ताकत पर ये मंगलसूत्र मैं आपको देती हूँ साहब। इसे रखिए साहब, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये लीजिए, ये साहब, ये नहीं हो सकता। मैं आप लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चीजों से इतने पैसे नहीं जमा हो सकते। होएगा साहब, होएगा साहब, ये हमारे घर आपके हैं साहब, ये 4,000 घर आपके लिए है साहब। साहब आप इन्हें गिरवी रखिए साहब, लेकिन अपने घर और हमारी फैक्ट्री को बचा लीजिए साहब। साहब हमारा कल, हमारे सपने, हमारा भविष्य आपके साथ है। सब एक आवाज में बोलो, साहब हम आपके साथ हैं। अगर आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों का त्याग और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हो, तो हम ये जंग जरूर जीतेंगे। ये भूखे नंगे टके टके के वर्कर्स दान दे रहे हैं, भिखारियों से भीख ली जा रही है, और उनके दम पर ये बंगला और फैक्ट्री खरीदेंगे। खन्ना साहब, बंगले की नीलामी पर आप लोग मेरी तरफ से बोली लगाएंगे, और जहां तक रहा फैक्ट्री का सवाल, स्टार इन्वेस्टमेंट से हम उसे कुछ और दाम पर खरीद लेंगे। इक्वल पार्टनर्स, डन? डन राजेश साहब, डन। बिना सोचे समझे नीलामी में बोली लगाने के लिए
तुमने डिपॉजिट जमा करा दी। तुम क्या समझते हो राजेश को एक असर छोड़ेगा? और ये बाकी के रुपए आएंगे कहां से? पापा, राजेश भले चाहे जितनी दौलत जितनी ताकत लगानी है लगा ले, लेकिन हम इस घर को नीलाम होने से बचाएंगे और हमारी तरफ से बोली मामा जी लगाएंगे। स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास ये कपूर विला 50 करोड़ रुपए में गिरवी रखा गया है। वाह, और ये रकम जेब में नहीं लगता बंगले को और पान खाए कलकत्ता। बोली तो मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन इतना रुपया कहाँ है तुम्हारे पास? मामा जी, अपनी तरफ से बोली रुकनी नहीं चाहिए, बस बोलते जाओ। और दूसरी ओर है वर्कर्स ग्रुप, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक बोली 50 करोड़ रुपए के ऊपर लगानी है। 51 करोड़, 60 करोड़, 61, 61 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़, 80 करोड़। जेंटलमैन आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ कर बोली लगाइए। 80 करोड़, 80 करोड़, 81 करोड़, 81 करोड़, 1 करोड़ रुपया ज्यादा की बोली लगाई है। राजेश तो 90 करोड़ कह दो। 81 करोड़ से आगे बोली लगाना है। 90 करोड़, 90 करोड़, 90 करोड़, 91 करोड़, 91 करोड़, 91 करोड़ की बोली लग गई है। क्या 100 करोड़, 100 करोड़, खन्ना साहब के 100 करोड़, 100 करोड़, लगता है 100 करोड़ से ऊपर कोई नहीं जाएगा। आवाजें बंद हो चुकी हैं, बोली लगनी भी बंद हो चुकी है। तो भाइयों, आप लोग अपनी सांसें थाम लीजिए, नीलामी लगता है खत्म हो चुकी है। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, 125 करोड़, ये हुई नंबर दो वाली बात, 125 करोड़। कन्ना स्टॉप इट, 125 करोड़, हाँ तो पीछे हट जाओ। 125 करोड़ है, है कोई और ऊपर बोलने वाला कोई है? 125 करोड़, 1, 125 करोड़, 2, 125 करोड़, 3, सोल्ड। जानते हैं आप किन कागजातों पर सिग्नेचर कर रहे हैं? मकान के कागजातों पर? जी नहीं, ये आप गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर 125 करोड़ रुपए आप जमा नहीं करवाते तो आपकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगी। ये 2 पल की जीत कोई मायने नहीं रखती अजय, ये तो उससे भी बड़ी बेइज्जती है। जब अदालत हमारी डिपॉजिट की हुई रकम को जब्त कर लेगा तो सारी दुनिया हंसेगी हम पर। पापा आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। देखो अजय, रुपए ना तो आसमान से बरसते हैं ना ही पेड़ों पर लदे हैं। तुम्हें ना तो कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है ना ही किसी भगवान का वरदान। इतने सारे रुपए आएंगे कहां से? रुपए आएंगे पापा, रुपए आएंगे।
स्टेशन, देखिए मेरे घर पे हमला हुआ है, मैं राजेश पुरोहित। ओ भाई सुनाई नहीं दे रहा, उच्ची बोल काके, उच्ची बोल। हेलो हेलो, ओ मेनू लगता है लाइन खराब है। ओए सुन, ऐते बड़ा ही घटिया आदमी हैगा है, हां हुन घंटी बजाना बिल्कुल ना चुके टेलीफोन नु, चक्कण दे फट्टे पब्लिक नु ओदे मार खान दे हरामी नु। अजय मुझे माफ कर दो प्लीज, देखो तुम्हें प्रीति का वास्ता, मुझे माफ कर दो। आउट। हेलो मिस्टर अजय कपूर, मैं हिंदुजा हॉस्पिटल की मैट्रन बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशन, आप एक बच्चे के बाप बन गए हैं। अ फादर ऑफ अ सन। ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे रखो मेरे बच्चे को, वो रो रहा है। तुम्हें अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी, लेकिन उस बच्चे की सिसकियां नहीं सुनी तुमने, जो अपने माँ बाप के लिए रात रात भर रोता रहा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बेईमानी बातें, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस बच्चे पर, क्योंकि तुम मुझे तलाक दे चुके हो। मैंने तुम्हें तलाक तुम्हारी मर्जी से दिया है। झूठ 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 है तो जाके पूछो अपने डैडी से, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें मुझे अपने घर गोद भराई के लिए ले जाना हो तो मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। मेरी डैडी ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकते। पूछो अपने डैडी से सच्चाई क्या है। और हाँ, अगर इस फैसले में तुम शामिल नहीं थी तो तुम जब मर्जी चाहो घर आ सकती हो, और इस बच्चे का बाप होने के नाते मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। कहाँ कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो। ये मेरा बच्चा लेके जा रहा है, कोई इसे रोकता क्यों नहीं? रोको इसे। अजय, एक बच्चे को अपनी माँ से अलग करना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ, अजय मेरा बच्चा मुझसे अलग मत करो। तुम्हें मेरी कसम, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। अगर मेरा बच्चा मुझसे अलग हो गया तो मैं एक पल में जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मर जाओगी, अपनी जान दे दोगी, वो भी इस बच्चे के जुदा होने पर जो सिर्फ एक दिन का है। तुमने कभी सोचा है उन माँ बाप का क्या होता जिनकी संतान को तुम छीनने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने 25 साल उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी परवरिश की, उसे अपना सपना अपना अरमान बनाया। अगर वो बच्चा उनसे अलग हो जाता तो क्या वो नहीं मर जाते? सर 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 मुझे बचा लीजिए सर, सब वो लोग मुझे मुझे जान से मार देंगे सर, वो वर्कर लोग आपके कहने से वापस लौट जाएंगे सर, मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ सर, मैं आपका दामाद हूँ सर, मैंने आपकी बेटी से शादी की है सर। तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है राजेश, क्योंकि तुम इस घर में रिश्ता निभाने नहीं आए थे, तुम बिजनेस करने आए थे। बिजनेस जानते हो बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने वक्त, अपने हुनर, अपनी काबिलियत का सौदा करने के बाद मुआवजा कमाता है।
तुम बिजनेसमैन नहीं हो, तुम एक मौका परस्त इंसान हो जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी एम्बिशंस को एक चलाकी का नकाब पहनाकर रिश्तों की आड़ में लोगों को धोखा दिया। तुम एक चीटू, द कॉनमैन, ब्लडी पैरासाइट। और तुम मुझे धोखा सिर्फ इसलिए दे पाए क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया, विश्वास, और तुमने उसी विश्वास की नींव में जहर डाल दिया। जमीन पर रेंगने वाला सांप तो इंसानों को भी कभी कभी छोड़ देता, लेकिन तुम आस्तीन में पलने वाले वो सांप जिसने किसी को नहीं बख्शा। तुमने मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेला है। जब जब जहां जहां तुम्हें मौका मिला तुम सीढ़ी पर चढ़ते गए और उन लोगों की जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन तुम भूल गए कि 99 की संख्या पर एक ऐसा सांप बैठा है जिसके काटने से खिलाड़ी इतने नीचे गिर जाता है कि फिर उसके पास वापस ऊपर उठने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहां हुई है? किस कहानी में तुमने पढ़ा है कि बदी की जीत जो है वो नेकी पर होती है? ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इस कहानी का अंजाम जो है वो अलग होगा, इसका रुख तुम बदल पाओगे, एक नया उपन्यास लिख पाओगे? कैसे सोच लिया तुम? मिस्टर राजेश पुरोहित, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अब तुम अपनी आवाज में बोलोगे। क्या दाम है तुम्हारी जान का? क्या मूल है उसका? लाख, 10 लाख, करोड़, 50 करोड़? इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास वक्त सिर्फ तब तक है जब तक कि उस दरवाजे को वर्कर तोड़कर यहां नहीं आ जाते। कोई जल्दी नहीं है, मैं यहां बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हूं, लेकिन अपनी जान की कीमत तुम्हें अपनी आवाज में देनी होगी। सो टेक योर टाइम। टैंकर, जल्द टैंकर, चोर्स को,
छोड़ उसको। सायंकर जा, सायंकर सायंकर। मैं बिन माँ की पली और बड़ी हुई, इसीलिए माँ मैं जानती नहीं थी कि एक बहू का सारा संसार तो अपने ससुराल में होता है। मुझे बेटी समझकर माफ कर दीजिए। बस बेटे, बस बस। सॉरी सर। देखो बेटे, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को माफ करना पड़ता है, और जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी तरह इस परिवार का हर सदस्य तुम्हें क्षमा कर देगा। मां, प्रीति कहाँ है? ये आपके लिए। राजेश, मेरे परिवार ने भले तुम्हें क्षमा कर दिया हो, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को सिर्फ दुख और परेशानियां उठानी पड़ी। जिस दिन कोई भी बेटी तुम जैसे पति को माफ कर देगी, तुम वापस लौट आना। एक मिनट, रोकना जरा। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है। जो इन रिश्तों को तोड़ देता है वो अपनों तक को खो देता है, और जो इन रिश्तों को निभा लेता है, इंसान तो क्या भगवान को भी पा लेता है।